लेंगे। खतरे में तो हम नहीं हैं। देश का 80% जागृत समाज, आत्मविश्वस्त समाज किसी खतरे में है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं पाया गया जिसमें हिंदू ने हमला किया हो। पर हिंदू पर हमला करोगे तो हिंदू तो अपनी रक्षा के लिए जरूर उठाएगा। तो नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई और एसडीपीआई द्वारा चलाए जा रहे एक हथियारों की ट्रेनिंग कैंप का बिहार पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल बिहार पुलिस का कहना है कि युवाओं को मस्जिदों से बहकाकर उस कैंप में लाया जाता था, जिसके बाद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने की आड़ में उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी तक इस प्रकार की घटनाएं हमें केवल कश्मीर तक सीमित दिखती थी, लेकिन अब ये बिहार में आ चुका है, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? मैं देख रहा हूं कि ये चुनौती थोड़ा पहले से गंभीर हुई है। हथियारों की ट्रेनिंग देना और ये स्वप्न देखना कि 2047 तक भारत का एक और विभाजन होगा, यह सपने देखना उनको मुबारक हो। पर आज तो देश संगठित है, आज तो भारत बलशाली है। और अगर कोई धर्म के आधार पर सोचना चाहे तो 80% आबादी वाला हिंदू भी इस संकल्प के साथ खड़ा है कि न केवल भारत को अखंड रखेंगे, बल्कि जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने कहा है, आने वाले 15 वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा सब मिलकर के एक अखंड भारत की निर्मिति हो सकती है। जब मैं कह रहा हूं कि अखंड भारत की निर्मिति हो सकती है तो मैं राजनीतिक एकता की बात नहीं कह रहा हूं केवल, जैसे यूरोप के देशों ने मिलकर के कॉमन यूनियन बना ली है, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, मुद्रा के लिए एक हो गए। तो जैसा भगवान ने ये पृथ्वी को एक बनाया है हिमालय से लेके समुद्र तक, और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमने जमीन पर रेखाएं खींच के अलग अलग कर लिया है, तो क्यों ना समाज के स्तर पर हम इकट्ठा काम कर सकें, व्यापार के लिए हम इन सीमाओं को निष्प्रभावी मान सकें। इसका क्या रूप होगा मुझे पता नहीं, पर भारत का विभाजन होने की बजाय जैसा प्रकृति ने भारत बनाया था, वहाँ के समाज मिलकर विकास की ओर एक साथ चलेंगे, यह भी संभव हो सकता है। मुझे दुख हुआ कि वहाँ के एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग थी जैसी शाखाओं में दी जाती है, इस तुलना की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तुलना गलत भी है, क्योंकि संघ की शाखाओं में हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लाठी आत्मविश्वास के लिए चलाते, पर लाठी से कोई लड़ाई नहीं होती आजकल। तो इसलिए जो पीएफआई वगैरह के लोग कर रहे थे वो तो हथियारों की ट्रेनिंग थी, और वो लोगों को मतांध बना रहे थे, अपने मत के प्रति अंधा बना रहे थे। इस प्रवृत्ति का भारत सामना करेगा, सफलतापूर्वक करेगा। सर मेरा अगला सवाल है, बिल्कुल जो एसएसपी का जो बयान आया है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है, लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि जैसे पीएफआई संगठन है, एसडीपीआई संगठन है, ये लगातार देश विरोधी कामों में इनका हाथ रहा है, ये इकोनॉमिकली भी फंड करते रहे उनको। जब इनके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे जो केसेस आ चुके हैं, तो फिर सरकार इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही है, आपको क्या लगता है? सरकार के पास ज़्यादा इनपुट्स होंगे। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर प्रतिबंध जल्दी नहीं लगाना ये भी एक बात है, पर मैं सोचता हूँ कि अब वो सीमा रेखा आ गई है जिसका उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता। इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंधित रहना इनका यही उचित होगा। अब मैं अगले मुद्दे पर आना चाहूँगा। जहांगीरपुरी में कल पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, हनुमान जयंती की जो रैली निकाली गई थी उस पर हमला हुआ था। इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम समाज की तरफ से एक प्री प्लान्ड था साजिश। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये लगातार हो गया है कि जब भी हिंदू त्यौहार होते हैं इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं और एक ही समाज उसमें शामिल होता है। मैं मुस्लिम समाज ऐसा कहने के बजाय कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग के द्वारा
जो आम मुसलमान है ना, उसको अपनी रोजी की, रोटी की, बच्चों की पढ़ाई की, घर गृहस्थी की चिंता है। पर एक छोटा वर्ग है, जो वर्ग आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद का समर्थन करता है और भोले भाले मुसलमान हिस्से को कभी कभी भड़का करके उस रास्ते पे ले जाता है सीसीटीवी के कैमराज हैं, और जो प्रमाण उनको मोबाइल फोन्स से मिले उन सबको कोरिलेट किया गया है। पहली बात तो ये कि पूर्व नियोजित पाया गया है, केवल मस्जिद में ही नहीं, उसके आसपास के घरों में रहने वाले अनेकों मुसलमानों की छत पर पत्थर और बोतलें इकट्ठी की गई थी। इतनी सारी जगहों पर ये पत्थर कहाँ से आए, बोतलें कहाँ से आए, तलवारें और कट्टे थे, दूसरे अवैध हथियार थे। वहाँ जब जुलूस पहुँचा तो उस पर चारों तरफ से हमला हुआ, सब घरों से पत्थर फेंके गए, तो किसी ने तो ये सब इकट्ठे किए होंगे। और आसपास के दो ब्लॉकों में जो हिंदू आबादी है उसके मकानों पे, दुकानों पर हमला किया। एक केमिस्ट है, उसका कैश लूट लिया। एक तो बेचारा अंडे की रेहड़ी लगाता था, उसमें आग लगा दी, तो पूर्व नियोजित था। दूसरे, उन्होंने पाया है कि कुछ लोग प्रोफेशनल आंदोलनकारी हो गए, चाहे किसान आंदोलन करे, चाहे मजदूर, चाहे मुसलमान, वो समर्थन करने पहुंच जाते। उन्होंने पाया है कि दिल्ली के दंगा, पूर्वी दिल्ली का दंगा, जहांगीरपुरी का दंगा, शाहीन बाग की कार्रवाई, इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं और भारत को तोड़ने और कमज़ोर करने और भारत के मुस्लिम समाज की निष्ठाओं में बाधा डालने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। हमको विश्वास है कि कोर्ट अपना काम जल्दी पूरा करेगी और ये सब लोग दंडित होंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे, ये कि जब भी हम कट्टरपंथ की बात करते हैं कि किस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है इससे, तो उस तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि इधर के जो संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये लोग हिंदुओं को डराते हैं कि आप खतरे में हैं और उनको भी एक तरह से उनको एक्सट्रीम कर रहे हैं, इस पर, इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? खतरे में तो हम नहीं हैं, देश का 80% जागृत समाज, आत्मविश्वस्त समाज किसी खतरे में नहीं। तो सामना करो, बराबर का सामना करो, संख्या में 5 गुना हो, विजयी तो तुम होगे। इसलिए हम उनको अपने समाज पर या अपने समाज के किसी भी बंधु पर आक्रमण होने पर उसका सामना करने के लिए तो बताते, पर इससे ज़्यादा ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं पाया गया जिसमें हिंदू ने हमला किया हो। पर हिंदू पर हमला करोगे तो हिंदू तो अपनी रक्षा के लिए ज़रूर उठाएगा। नहीं, डरते हैं। कुछ कुछ जगह पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, हमने हर राज्य में हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, कहीं भी कुछ होता है परिषद के कार्यकर्ता को फ़ोन करो, बजरंग दल के लोग चौड़े सीने के साथ जाएंगे, साथ जाके पुलिस में FIR दर्ज कराएंगे, जांच कराने का दबाव बनाएंगे, आवश्यकता होगी तो पुलिस को बोलेंगे सुरक्षा दो। तो समाज संगठित है, समाज जागृत है, समाज अपने आत्मरक्षा के लिए तैयार है, संविधान के अधिकारों का उपयोग सबको मिला हुआ है। अगर मुसलमान समाज अपने उसी नागरिक भाव से रहता है तो कोई डर नहीं होगा, पर अगर उसका कोई भी हिस्सा हमलावर होता है तो मुकाबला होगा। तो साफ तौर पर कहा है कि हिंसा रास्ता नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमला होगा तो उसका जवाब भी अपनी आत्मरक्षा के लिए देना आता है। सर, आपसे, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत धन्यवाद चिराग जी। सर धन्यवाद।